सितंबर महीने की बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ में, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें उलट सुलट हो चुकी है, क्योंकि किया एक टाइम पे हुआ करती, मतलब ऑलवेज हुआ करती थी पांचवें नंबर पे हर किसी महीने के सेलिंग के टर्म्स के अंदर, लेकिन इस बार किया को भी किसी ब्रांड ने हटा दिया है। एक और चीज हो चुकी है, महिंद्रा मारने पे तुली हुई है हुंडई को और टाटा दोनों को। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो को देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। मैंने जो अभी बोला महिंद्रा मारने पे तुली है हुंडई और टाटा दोनों को, वो सच बात है। क्यों, वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। एक और चीज, किया इस लिस्ट के अंदर नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसी कार ब्रांड्स जो सबसे ज्यादा बिकी है सितंबर महीने के अंदर। तो कौन सी ऐसी कार ब्रांड्स है वो देखने के लिए मतलब वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले फर्स्ट या फिर लास्ट से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फिफ्थ नंबर पर किया को हटाकर पहुंची है टोयोटा मोटर्स। 23,802 यूनिट्स पूरे इंडिया के अंदर इन लोगों ने सेल किए हैं सितंबर महीने के अंदर। किया की बात करें तो किया ने 23,500 समथिंग किए हैं, तो किया के कंपैरिजन में टोयोटा ने 300 यूनिट जो है वो ज्यादा बेचे हैं पूरे इंडिया के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ सेल्स की, और वो भी सितंबर महीने की। तो मतलब टोयोटा ने वहां पे बाजी मार ली है। टोयोटा की मतलब ये जो चीजें चल रही है सेल्स के मामले में, वहां पे सबसे ज्यादा जो कोई भी गाड़ी का योगदान रहा हो, तो वहाँ पे आप कौन सी गाड़ी को प्लेस करोगे वो जरूर कमेंट डाउन करके बताना, क्योंकि एज पर दी ऑन पेपर जाओगे आप तो वहाँ पे आपको नजर आएगी हाई राइडर, क्योंकि सबसे ज्यादा बिकती है। उसके बाद आ जाएगी फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा, जो कि हर किसी मोमेंट पे टोयोटा के लिए ये दोनों गाड़ियाँ खड़ी रही है। जहाँ पर भी बात आती है टोयोटा की, वहाँ पे इन दोनों गाड़ियों का नाम लिया जाता है। क्यों, वो मुझे किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है इन दोनों गाड़ियों के बारे में, और क्यों फेमस है फीचर्स ना होने के बावजूद वो भी सभी लोग जानते हैं। वहाँ पे भी मुझे कोई भी चीज़ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टोयोटा वैसे आमतौर पे टॉप 5 के अंदर नहीं आया करती थी, वो 6 या 7 पर रहा करती थी। वेरेस जो 5th नंबर पर किया आती थी उसको हटा के टोयोटा अभी आ चुकी है। तो टोयोटा ने बहुत ज़्यादा अच्छा जंप लगाया है, और सिर्फ जंप ही नहीं, आप बोल सकते हो कि अच्छा खासा इंप्रूवमेंट उन लोगों ने किया है, तो नो डाउट इन दैट। तो इसी वजह से यहाँ पे आ चुके और 5th नंबर की पोजीशन को उन लोगों ने ग्रैब कर लिया। ऑलमोस्ट 300 यूनिट का गैप रखना मतलब विच इज़ नॉट उतना भी इजी नहीं होता है, तो बिल्कुल भी इजी नहीं होता। और ऐसे में चलते उन लोगों ने टेजर को लॉन्च किया था, फ्रॉन्क्स के होते हुए टेजर को भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। उसके अलावा ग्रैंड विटारा के होते होते मतलब उसके होने के बावजूद हाई राइडर को लोग कंसीडर कर रहे हैं। इनोवा हाई क्रॉस भी अच्छी खासी बिक रही है। तो ऐसे कुल मिला के टोयोटा यहाँ तक पहुँची है, और फॉर्च्यूनर और इनोवा की सेल्स के बारे में मुझे कुछ नहीं बताना, उन लोगों को जो लोग खरीदते हैं वो लेजेंड होते हैं, वो सभी को बताए। अगली 4th नंबर पर है टाटा मोटर्स। 41,065 यूनिट्स इन लोगों ने पूरे सितंबर के इंडिया मतलब सितंबर के अंदर पूरे इंडिया के अंदर बेचे हैं। और टाटा मोटर्स की मैं ये ओवरऑल सेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, हर किसी प्रोडक्ट की सेल्स यहाँ पे हर एक ब्रांड के साथ में मैं इंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ। टाटा मोटर्स की बात करें तो इन लोगों ने मतलब पहले के कंपैरेटिवली बात करें तो ये लोग थोड़े से डाउन आ चुके हैं, क्योंकि एक टाइम था वो पीक आई थी जहाँ पे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि टाटा मोटर्स ओवरटेक करके जा रही थी हुंडई को, जो कि हुंडई हर टाइम पे 12th ऑफ द 12th मंथ वो सेकंड नंबर पे हुआ करती थी, और एक टाइम पे टाटा मोटर्स हुंडई को ओवरटेक कर रही थी, और लगातार 2 महीने तक वो सेल्स के अंदर सेकंड नंबर पर रही थी टाटा मोटर्स। वो कौन से 2 महीने थे वो मुझे जरूर कमेंट डाउन करके बताना, क्योंकि उस वक्त हमने शायद ऐसा ही कोई वीडियो बना के आपको बोला था कि हुंडई कुछ ज्यादा ही मतलब हुंडई को कुछ ज्यादा ही बेइज्जती मिल चुकी है, टाटा मोटर्स ने बहुत ज्यादा तगड़ा जंप लगाया है। ये सारी चीजें हमने पहले भी आपके साथ करी हुई है, इसी वजह से हमें भी याद है, शायद आपको भी पता होगा। नहीं पता तो इस वीडियो के अंदर फिर से वही चीजें रिपीट नहीं हो रही है, उल्टा उल्टी हो रही है चीजें। टाटा मोटर्स फिर से सेकंड से लेके सीधा 4th पे आ चुके हैं, ऐसे कौन से रीजन हो सकते हैं वो आप मुझे कमेंट डाउन करके बताओ। टाटा मोटर्स ने आफ्टर सेल सर्विस के अंदर बात करें, कई सारी जगहों पे इम्प्रूवमेंट हुए हैं, कई सारे जगहों पे नो डाउट इम्प्रूवमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और प्रोडक्ट्स की बात करें, प्रोडक्ट्स के बारे में जो लोग इसको ओनर ओन करते हैं उन लोगों से ज्यादा जो ओन नहीं करते उनको शायद ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। मैं पर्सनली मेरी कोई चीज़ें इसके अंदर नहीं है, बट स्टिल मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं खुद हुंडई की गाड़ी ओन करता हूँ, बट स्टिल मैं ये चीज़ टाटा के लिए फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत अच्छी है। नो डाउट प्रॉब्लम्स भी आते हैं उसने मतलब उतने प्रॉब्लम्स भी आते हैं,
टाटा को जरूरत है उसके ऊपर काम करने की, वहां पे भी स्कोप है। जैसे महिंद्रा ने बहुत ज्यादा स्कोप जो था वो इम्प्रूव किया और आज यहाँ पे जिस पोजीशन के ऊपर भी है वो मतलब इसी रीजन के चलते है। बाकी महिंद्रा थर्ड नंबर पे आ चुके हैं 51,062 यूनिट। मैं आपको बता रहा था महिंद्रा टाटा को मारने पे तुली हुई है और टाटा के साथ साथ हो सकता है वो लोग ह्यूंडई को भी खा जाए। मतलब ये चीजें आप इस वीडियो के अंदर 2 मिनट के बाद वो खुद आप खुद रियलाइज कर लोगे, क्योंकि महिंद्रा टाटा को ओवरटेक करके थर्ड नंबर पे आ चुकी है। महिंद्रा ने जो इम्प्रूवमेंट्स किए हैं आफ्टर सेल सर्विस के अंदर, वो अगर आपको पर्सनली पता है तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पता तो मैं आपको एक ही सेंटेंस में बता देता हूँ। जब 700 लॉन्च हुई थी उसके बाद बहुत ज्यादा बेइज्जती मिली थी महिंद्रा को। जब स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुई थी उसके बाद भी बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ी थी, लोग गालियां दे रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत ही ज्यादा मतलब रेपुटेशन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे उन लोगों के। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर एग्जिस्टेंस होने के साथ साथ भी लोग सवाल उठा रहे थे गाड़ियों को लेकर, लोग अपनी गाड़ियों को जलाने तक रेडी थे। हरियाणा के बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कोई भी यूट्यूबर्स का, लेकिन ये चीजें फैक्ट थी, उस वक्त चल रही थी। उसके बाद जो महिंद्रा ने कमबैक किया है, जो गाड़ियों के अंदर इंप्रूवमेंट्स किए हैं, कस्टमर्स को सुना है, कस्टमर्स का जो भी प्रॉब्लम होता है वो सारी चीजों को एक एक सुना है, पर्सनली उन सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करके वहां पे जो भी इम्प्रूवमेंट्स होते हैं वो सारे इम्प्लीमेंट किए हैं, तब जाके ये लोग यहाँ तक पहुंचे। और यही चीज मैं टाटा के लिए बोल रहा था, इन लोगों को ये सारी चीजों के अंदर इम्प्लीमेंट करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। नो डाउट बहुत सारी सिटीज के अंदर उनका बहुत अच्छा मतलब जो सीन जो है वो चलता है, बट स्टिल जो भी गाड़ियों के अंदर दिक्कतें आ रही है वहाँ पे एट दी अर्लीस्ट पॉइंट पॉसिबल उन लोगों को वो सारी चीज़ें टैकल करके, लोगों की प्रॉब्लम्स सुन के, वो सारी प्रॉब्लम्स आगे आने वाली प्रोडक्शन रेडी गाड़ियों के अंदर ना हो वो मेक श्योर करना वो ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इंडियन ब्रांड होते मतलब होने के नाते वो लोग इंडियंस को ऐसी गाड़ियाँ नहीं बेच सकते, और ये चीज़ महिंद्रा ने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था, तब मतलब तभी जाके ये लोग आज थर्ड नंबर पे आके बैठे, मतलब ये सारी चीजें हुई है। बाकी सेकंड नंबर पे ह्यूंडई है 51,101 यूनिट। अब आप खुद प्रीवियस वीडियो मतलब 15 टू 20 सेकंड्स या फिर 2 मिनट प्रीवियस जाके आप देखो महिंद्रा की कितनी सेल्स थी, 51,000 के अराउंड ही थी, ह्यूंडई की भी 51,000 के अराउंड ही है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ह्यूंडई को कुछ भी करके अपनी सेल्स को रिकवर करना पड़ेगा, अदरवाइज महिंद्रा आराम से कैप्चर कर लेगी सेकंड पॉइंट को या फिर सेकंड स्पॉट को, जो कि बहुत ही ज्यादा किंग लेवल का स्पॉट माना जाता है इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि फर्स्ट नंबर के ऊपर तो कौन रहता है वो हर किसी को पता है, वो मतलब वो रिप्लेसेबल है ही नहीं, वो इररिप्लेसेबल है। इसी वजह से सेकंड स्पॉट को भी किंग माना जाता है। और यहाँ पे टाटा एक टाइम पे हुआ करती थी, हुंडई तो सालों साल हुआ करती थी, उसके बाद कुछ महीने तक टाटा आई, अभी हो सकता है कि महिंद्रा भी आ जाए। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर से ही महिंद्रा आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि थार रॉक्स की बुकिंग्स आपने देखा ही होगा 1 घंटे के अंदर कितनी हो चुकी थी, और अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब आप गूगल पे जाके सर्च करो कितनी बुकिंग्स हो चुकी है, और फिर उसके बाद इस वीडियो के अंदर आके कमेंट डाउन करके बताओ कितनी बुकिंग्स अभी लाइव हो रखी है थार रॉक्स के बारे में। तो उसके बाद बताना कि सेकंड स्पॉट को ये आराम से कैप्चर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और एट द सेम टाइम ह्यूंडई के लिए भी ये बहुत बड़ा कंसर्न हो चुका है कि भैया क्रेटा इतनी तगड़ी बिक रही है, वेन्यू बिक रही है, एल्केजार फेसलिफ्ट की बहुत तगड़ी डिमांड है, उसके बावजूद महिंद्रा इतनी इजीली उन लोगों को ओवरटेक करने के लिए रेडी बैठी है। तो आप सोच सकते हो लेवल, मतलब जो लेवल पे वो लोग हुआ करते थे आज से एक साल पहले, और अभी जिस लेवल पे है महिंद्रा की मैं बात कर रहा हूँ वो मतलब इमैचेबल है, वो अनमैचेबल है, बिल्कुल कोई भी मैच शायद नहीं कर सकता, उस लेवल पे आके वो लोग आज बैठे हैं। तो कुडोस टू महिंद्रा, वहाँ पे तो मतलब लिटरली ये सुन के ही गूज़बम्स आ जाते हैं, और इंडियन ब्रांड होने के नाते हम वहाँ पे प्राउड होना भी चाहिए हमें, और नो डाउट ऐसा सेम हम चाहते हैं टाटा मोटर्स की ओर से, और उम्मीद लगाते हैं कि वो लोग भी ऐसी करेंगे इम्प्रूवमेंट्स। फर्स्ट नंबर पर है मारुति सुजुकी एज ऑलवेज 1,44,962 यूनिट। जब कोरोना का कोई किसी को पता तक नहीं था तब से लेके मारुति सालों से ये मतलब पूरे इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को किंग या फिर रूल करते हुए आई है। कभी भी किसी भी ब्रांड ने किसी भी महीने के अंदर इसको ओवरटेक करने की कोशिश तक नहीं की है, वहां तक पहुंची भी नहीं है। ह्यूंडई थी सेकंड नंबर पर, कितने सेल्स को लेके बैठी है 50,000 को, उसको डबल कर दो 1,00,000 हुआ, उसको भी बढ़ा दो तब जाके 1,50,000 1,45,000 के अराउंड तो मारुति सुजुकी बैठी है भैया। तो मतलब इसका तो कोई लेवल ही नहीं है, इसीलिए मैं अभी भी बोल रहा था कि सेकंड नंबर का जो स्पॉट है उसको भी किंग माना जाता है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर। ऐसा इसीलिए क्योंकि
फर्स्ट नंबर का जो क्राउन है वो हमेशा मारुति के सर पर है। जब से मारुति सुजुकी आई है इंडिया के अंदर तब से लेके आज तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, और शायद तो ऐसा ही चलता ही रहेगा कि मारुति सुजुकी को शायद ही कोई रिप्लेस कर पाएगा। अगर कोई कर सकता है तो महिंद्रा के बारे में आप सोच सकते हो, अगर वो लोग मारुति की तरह माइलेज की ओर ओरिएंटेड हो जाए तो, लेकिन वो शायद ऐसा पॉसिबल कम हो सकता है। मारुति सुजुकी की बात करें तो ये लोग तो कंटिन्यू कर रहे हैं भैया कि एज अ लीडर, एज अ रूलर ऑफ द इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट, हम तो अपने सर के ऊपर क्राउन लेके घूमेंगे। तो मारुति सुजुकी एज इट इज है, इसको कोई हिला नहीं पाया अभी तक। बाकी इस वीडियो के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन थी, आपको क्या चीज़ नोटिस हुई, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या चीज़ नोटिस की वो ज़रूर कमेंट डाउन करके बता देना। फिलहाल के लिए इतना था, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अगले इन्फॉर्मेटिव ऐसे ही किसी वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, ड्राइव सेफ, अभी से सब्सक्राइब करके हमारी ऑटो एंथुसियास्ट फैमिली को ज्वाइन कर देना। बाकी ड्राइव सेफ और थैंक यू।